Hi everyone, very warm welcome you all. कैसे आप सब आई होप यूलिंग बेस्ट फॉर योर एग्जाम करते हैं आज का अपना वीडियो एंड दिस इज दीडियो द सेकेंड पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज ऑन लाइफ एंड लिटरे करियर ऑफ एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन येस अर्लियर वी हैड डिस्कस दिस ग्रेट विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन इन आवर फर्स्ट वीडियो एंड गेट दिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट वीडियो देख सकते हो एंड साथ ही साथ फ्रेंड अपना कॉपी एंड पेन ले कर के स्टार्ट हो जाओ बिकॉज जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ उनके डिटेल्स क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ क्वेश्चन का मैं डिटेल एंसर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलने वाला है prepare your notes here right now watching this video on angler zone with me and uh, start karte hain aaj ka apna pehla question before this please friend if you are visiting first time please yaar subscribe to banta hai and also agar aapko video pasand aa raha aayega to aap please usko like bhi kar dena aur share bhi kar dena apne friends ke बीच में या अपने ग्रुप में जो आपका लिटरेरी group हो start करते हैं आप अपना पहला and the question we have here on the screen Which university did Tanishin attend as an undergraduate? Yes. What name of the university? Uh, university, you have to tell uh, which he had attended as an undergraduate students for his study. And we have the option A Oxford, option B Cambridge, option C Harvard, option D we have Yale University. Which is the correct? option correct answer according to this question you must have given the answer and we have the answer option b cambridge university and the this was the university where he went for his attendance his undergraduate program undergraduate degree and uh, this was the cambridge university and he entered trinity college in of the cambridge university in 1827 यस yes, अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अंडर ग्रेजुएशन स्टडी के लिए उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज दैट कम्स अंडर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1827 में उन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया तो उस कॉलेज को अटेंड किया दैट वाज़ दी ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते एंड वी हैव दियर नेक्स्ट क्वेश्चन द फाइनल सेक्शन ऑफ इन मेमोरियम डेस्क्राइब दी मैरिज बिटवीन

टेनिसन किसके मैरिज की बात कर रहे हैं किस दो पीपल के दो लोगों के बीच के मैरिज की बात कर रहे हैं यू हैव टू गो फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी हैव दो ऑप्शन हियर ऑप्शन ए टेनिशन एंड एमली सैलवुड ऑप्शन बी टेनिशन पेरेंट्स ऑप्शन सी वी हैव टेनिशन सिस्टर एंड एडम लसिंगटन एंड ऑप्शन डी वी हैव टेनिशन सिस्टर एंड ऑर्थर हैंनरी हैलम अबाउट हूम मैरिज टेनिसन टॉक्ड अबाउट इन दिस Very famous poem, very very concept poem, very very close poem of a Tennyson in *Memoriam*, and we have the correct answer edge option C. Yes, friends, option C, jo hai, is question ka correct answer is Tennyson talked about his Tennyson sister and Edmund Lasington's marriage in this work, in this in *Memoriam*'s final section, and. जो है कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन मेमोरियम वर्क के ऊपर इसके जो एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूंगी इन मेमोरियम ए एच एच ऑर्थर हेनरी हेलम इज ए पोएम बाई ब्रिटिश पोएट एल्फ्रेड लॉ एंड ये पब्लिश हुआ है जो 1850 में पब्लिश हुआ है ये पोएम

सिस्टर टेंशन की सिस्टर के मैरिज से के डिस्क्रिप्शन से ये पोएम का एंड होता है फाइनल सेक्शन में इनके मैरिज के टेंशन के सिस्टर के मैरिज के डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पोएम के लास्ट सेक्शन में मूव ऑन करते हैं एंड नंबर हियर द एपिक वाज रिटन एज अ फ्रेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम यस द एपिक जो एपिक

And go for the right answer of this question, and the we have the option and the right answer is option D. More the author, this was the poem which was given the frame of the epic by Lord Tennyson, Alfred Lord Tennyson, and option D is the correct answer. And let's talk about details related to this question. In 1833, Tennyson proposed to write a long epic about

By Alfred लॉर्ड टेनिशन बट 1838 में वो सिर्फ एक ही बुक इसकी कंप्लीट कर पाए हैं That was मॉटडी ऑर्थर And uh, next question. and here we have the question number 4 of the video which of the following historical events does the charge of the light brigade describe this was the poem by alfred lord tennyson kyunki is video mein hum alfred lord tennyson ki baat kar rahe hain to yahan pe ye question se related hai unke poem se related hai and

एंड फ्रेंड्स आंसर बताने से पहले प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक like करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो एंड आल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल इन योर ग्रुप्स ऑफ लिटरेचर ऑफ योर स्टडी ग्रुप जहाँ भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कस करते हो क्वेश्चन आंसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ में या उसमें इन्वॉल्व होते हो प्लीज़ वहाँ पर शेयर करिए इस वीडियो को एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज़ोन के नेम से है पेज मेरा वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप उसे फॉलो कर सकते हो वहाँ भी मैं डेली एंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूँ जो कि आपके डेली बेसिस के प्रपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मूव ऑन करते हैं आज के इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ एंड क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन डी यस दस Poem is about the Crimean War, which was discussed by Alfred Lord Tennyson in this poem, The Charge of the Light Brigade. And let's discuss some details related to this question, related to this poem by Ch Alfred Lord Tennyson. The Charge of the Light Brigade is an 1854 narrative poem. Yes, he poem Jothi, which was composed by Alfred Lord Tennyson. It is in narrative poem from narration, air because here. अस्टोरिकल इवेंट अ वॉर इज डिस्कर एंड ये नैरेशन के फॉर्म में है किस तरीके से वॉर को डिस्कस किया गया है इस पोएम ट्रेडिशन के द्वारा एंड द्रिगेड इज अ बैटल ऑफ बल्लावा ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर ही रोट इट ऑन सेकेंड डिसम्बर एटीन फोर एंड इट वॉज पब्लिश इन दाइंथर एटीन फिफ्टी फोर 19 1854 इन द एग्जामिनर यस ये 2nd दिसंबर 1854 को इन्होंने लिखना ये पोयम स्टार्ट किया था एंड 9th ऑफ दिसंबर 1854 को द एग्जामिनर जो उसमें था उसमें ये जनरल में ये, uh, ये पब्लिश हुआ है ये वर्क अल्फ्रेड लॉटरेटिशन का दैट इज क्रीमियन वॉर डिस्कस्ड इन दिस वेरी पोयम द चार्ज ऑफ द लाइट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन द विक्टोरिया

Produry, which was discussed here in this in the work in the literary work of the in the poems of the Alfred Lord Tennyson, because he was the representative poet of the Victorian era. That's why he had discussed he had represented his age very much brilliantly and very passionately. What was the condition of that time? What was the things he had seen in the contemporary England? Uh, he had discussed that things in his work. And yes. Option A is the correct answer. He discussed about the Victorian compromise in his work, in his literary work. And we let's discuss some details. Mm -hmm. Discuss details related question. attention is known as the representative poet of Victorian era from 1837 to 1901. This is the time duration of Victorian era. And he poetry represented the Victorian compromise. And what was Victorian com compromise? Let's discuss that also. A compromise between aristocracy and democracy. Yes, he discussed he represented between morality and sexuality, the compromise between morality, morality and sexuality, and also between doubt and faith. Because there was a time of it was a time of uh, science revolution and industrialization. That's why aristocracy and democracy both were compromised in this era.

लिखनी शुरू हुई थी लिखा गया था और ये पब्लिश हुई है 1842 में नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन एंड कुछ डिटेल्स और भी हैं इससे रिलेटेड द पोयम इज एन एलिजी दैट डिस्क्राइब्स टेंशनस फीलिंग ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम डाइड जब आर्थर हेनरी हेलम उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी एंड दिस इज पोयम अबाउट इन द एलिजी फॉर्म अबाउट द लॉस ऑफ फीलिंग बाय टेंशन ही हैड डिस्कस्ड टेंशन हैड डिस्कस हिज

Three parts. Option B is the correct answer. And let's discuss some facts related to this. Mod, which was published in 1855, is a story of a lover who passes from morbidness of a statue, then to anger and murder, followed by insanity and recovery. This is the storyline, this is the theme of the mod, the work the, uh, which was a work of Alfred Lord Tennyson. and mod and other poems.

and the next question we have this is the last question of the video here in this uh, section second part of important mcqs related to Ma alfred lord tennyson and the number question we have here tennyson's ulysses is based on the story from yes you have to tell the story for, uh, from which it was adopted or the subject matter of the story is taken from which mythology you have to go for the right answer of this and Ulysses is the very important poem of Tennyson and uh, we have the option here Latin mythology, uh, Greek mythology option B, German mythology we have and option D we have the Persian mythology which is the Correct answer and uh, go for the right answer of this question. And yes, we have the right answer is option B, Greek mythology. This is the adaptation, this is the, the story uh, form of this work poem Ulysses is taken from the Greek mythology. So the option B is the correct answer. And discuss question details related. And the details of this question related, we have here. Ulysses is a poem in blank verse.

ग्रीक माइ मिथिकल हीरो यूलिस यूलिस के कैरेक्टर की बात हो रही है जो ओडिसिस कैरेक्टर था ग्रीक हीरो है ओडिसी से लिया गया है उसकी बात यहाँ पे हो रही है ही इज नाउ ओल्ड एज मैन एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग उसके वाले की उसके जो पावर है उसकी यहाँ पे उसके जो विल पावर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे इस पोयम में जिसको बहुत ही ब्रिलियंटली एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने कंपोज किया हुआ है इस पोयम को एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो इस पोएम का जो लास्ट लाइन है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग वी हैव दैट टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टूट दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम यू लिस बाई एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन जो कि एटीन थर्टी थ्री में लिखी गई है एंड इट वॉज पब्लिश इन द ईयर एटीन फोर्टी टू एंड फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की पोएम और उनके लाइफ से रिलेटेड प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्सअप तो बनता ही है एंड uh, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन सेवन एट थ्री एट थ्री फोर थ्री एट थ्री सिक्स दिस इज माय नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी देव एंड ऑल्सो कॉमेंट करके भी आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका इंग्लिश लिटरेचर से है क्वेरीज हैं आप उस क्वेश्चन से मुझे पूछ सकते हो एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड यू आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग ऑन दिस चैनल इंग्लोन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस